हेलो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर थर्ड चैप्टर आवर नेबर्स इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट द सन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मून द मून इज आवर क्लोजेस्ट नेबर मून पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी स्टार है इट इज़ राउंड इन शेप ये शेप में राउंड है द मून इज स्मॉलर देन द सन मून सन से स्मॉलर है बट इट लुक्स एज बिग एज द सन बिकॉज इट इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन द मून इज स्मॉलर देन द सन मून सन से छोटा है बट इट लुक लाइक एज बिग एज द सन क्यों और ये सन के जैसा ही बड़ा दिखता है क्योंकि इट इज़ क्लोजर क्योंकि ये पृथ्वी के करीब है दन द सन चंद्रमा मून जो है पृथ्वी के करीब है बट द सन थोड़ा सा दूरी पर है द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सेटेलाइट मून पृथ्वी का नेचुरल सेटेलाइट है इट मूव्स अराउंड द सन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। मूव्स अराउंड द प्लैनेट एक सेटेलाइट प्लान के चारोर चक्कर लगाते हैं जस्ट एज द मूव अराउंड द सन जैसे कि प्लान सन के चारों चक्कर लगाते हैं द मून शाइन्स एट नाइट मून शाइंस में नाइट मून नाइट में शाइन करता है बट इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ़ इट्स ओन लेकिन इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ये सन से लाइट रिसीव करता है द पार्ट विच रिसीव सन लाइट वो पार्ट जो सन लाइट जिसके ऊपर पड़ती है इज़ द पार्ट ये वो हिस्सा है दैट इज़ सीन फ्रॉम द सन द अर्थ जो हमको पृथ्वी से दिखाई पड़ता है द मून हैज़ नो लाइफ चंद्रमा पर जीवन नहीं है वाटर वॉज डिस्कवर्ड ऑन द मून इन टू थाउजेंड नाइन मून के ऊपर वाटर की डिस्कवरी टू थाउजेंड नाइन में की गई थी देयर इज़ नो विंड और वेदर ऑन द मून मून के ऊपर ना ही हवा है ना ही किसी भी प्रकार का मौसम है इसी वजह से मून के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है बट हमारे जो साइंटिस्ट हैं मून के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटीज के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं दैन यू लुक एट नाइट स्काई जब हम लोग रात में स्काई की तरफ देखते हैं यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटिफुल स्टार शाइनिंग ब्राइटली तो आप लोग देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में सुंदर सुंदर स्टार्स बहुत तेज़ी से चमकते हैं स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर स्टार जो हैं बहुत बड़े बड़े बॉल ऑफ फायर हैं आग के गोले हैं दैट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन जिनकी अपनी ही चमक और प्रकाश और गर्मी उनका ही स्वयं का होता है द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज द पोल स्टार स्काई में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार पोल स्टार है हैव यू वंडर्ड एनी स्टार एपियर स्मॉल क्या आपने किसी भी स्टार छोटे से स्टार को देखा है वाइल्ड द सन लुक्स बिगर एंड ब्राइटर जबकि हमारा सन बड़ा है और बहुत ही चमकदार है द स्टार्स एपियर स्मॉल। स्टार्स हमें छोटे इसलिए नजर आते हैं बिकॉज दे आर फार फ्रॉम अस क्योंकि ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है वाइल्ड द सन इज नियरर सन जो है हमारे करीब है दैट इज़ वाई दैट इज़ वाई इट लुक बिगर एंड ब्राइटर इसीलिए हमको ये बड़ा और चमकदार नज़र आता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टेश स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टेलेशंस के नाम से जाना जाता है दे फॉर्म पैटर्न इन द स्काई ये स्काई में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के रूप में नज़र आते हैं दैट लुक लाइक फिगर ऑफ पीपल कभी तो ये किसी मनुष्य के रूप में नज़र आते हैं तो कभी किसी एनिमल के रूप में या कभी किसी अनदर करेक्टर के रूप में भी हमको स्काई में नजर आते हैं तो ये दीज स्टार्स कैन टेक डिफरेंट शेप एंड चेंज देयर शेप ये जो है अलग अलग शेप में किसी का भी शेप में हम लोगों को स्काई में नजर आते हैं द ग्रेट बियर और उर्सा मेज़र इज़ वन ऑफ द क्लियरेस्ट कॉन्स्टलेशन ग्रेट बियर जिसको हम उर्सा मेज़र के नाम से भी जानते हैं ये एक ही बहुत ये एक बहुत ही क्लियर दिखने वाला स्टार ऑफ ग्रुप है जिसको हम स्काई में देख सकते हैं इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टोलेशन इन द स्काई ये स्काई का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टोलेशन है सम अदर कॉन्स्टेलेशंस और क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स आर इसके अलावा और जो कॉन्स्टेलेशंस हैं या क्लस्टर मीन्स झुंड स्टार्स का जो झुंड है आर स्कॉर्पियस जिसको हम स्कॉर्पियन के नाम से भी जानते हैं एंड द लियो जिसको हम लॉन के नाम से भी जानते हैं ये सब हम अपने स्काई में नाइट में देख सकते हैं सो स्टूडेंट यू हैव टू लर्न दीज न्यूज वर्ड्स फ्राम द बुक फर्स्ट न्यू वर्ड इज सेटेलाइट वॉट इज द मीनिंग ऑफ सेटेलाइट है बॉडीज दैट मूव अराउंड द प्लानट वो हैवेनली बॉडी जो प्लानट के चार ओर चक्कर लगाती हैं दीज आर कॉल्ड सेटेलाइट कॉन्स्टेशंस्टलेन मीन इज अ ग्रुप और द क्लस्टर झुंड या एक समूह किसका ऑफ स्टार्स स्टार्स का दैट फॉर्म शेप्स एंड पैटर्न जो बनाते हैं शेप एंड पैटर्न को स्टार्स का एक समूह जो डिफरेंट शेप एंड पैटर्न को बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेन एंड सोलर एनर्जी एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन वो एनर्जी जो हम लोगों को सन से प्राप्त होती है उस एनर्जी को सोलर एनर्जी के नाम से जाना जाता है दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे we will provide you worksheet after few day thank you